children, hope you all are fine. Now, today we are again going to learn class 6 subject English. Book name is A Pact with the Sun, chapter 8, and the name of the chapter is What Happened to the Reptiles. What happened to the reptiles? Reptiles means रेंगने वाले जानवर, like snakes, lizards, crocodile, tortoise, etc. So children, we already read and learnt about two videos related to this chapter. In the first video, we learnt about a boy and his wings. Means in the first video, we learnt about the boy Prem and the non-violence acted happened in his village. That's why he left his village. पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रेम का जो गांव था किस तरह से वहां पे कुछ नॉन वायलेंस एक्ट हुए थे, मींस लोगों के बीच में फाइटिंग हुई थी. दैट्स व्हाई ही लेफ्ट हिज विलेज, जिसकी वजह से उसने उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा था. एंड देन ही रीच द पेम्बोपति. उसके बाद वो कहां पहुंच गया था? पेम्बोपति पहुंच गया था. और व्हेन ही ओपन्ड हिज आईज ही सॉ अ ओल्ड मैन फ्रंट ऑफ हिम. जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसको होश आया, तो उसे अपने सामने एक बूढ़ा व्यक्ति मिला. देन द ओल्ड मैन टोल्ड हिम अ स्टोरी. उसके बाद जो बूढ़ा व्यक्ति है उसने प्रेम को एक स्टोरी सुनाई. इन द सेकेंड वीडियो वी लर्न अबाउट द सब पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. वी लर्न द सम पार्ट ऑफ दिस स्टोरी मीन्स पेम्बोपति विलेज एंड द रेप्टाइल्स हू लिव्ड इन द पेम्बोपति विलेज. इन द सेकेंड स्टोरी वी लर्न about the village Pembopathy and the reptiles. Okay, second video में हमने पढ़ा था Pembopathy village के बारे में और वहाँ पे रहने वाले जो reptiles थे उनके बारे में हमने पढ़ा था. In this story, we heard about the reptiles, the president of reptiles, Makra. The president of reptiles, Makra, was sent the letter to tortoise and to snakes to leave the forest. हमने देखा था कि किस तरह से जो प्रेसिडेंट था किसका रेप्टाइल्स का, उसने किस तरह से लेटर भेजा था किसको, टॉर्टाइजेस को और स्नेक्स को, कि आपको क्या करना है, पेम्बोपति जो विलेज है उसको आपको छूट के जाना है. देन द टॉर्टाइजेस एंड द स्नेक्स लेफ्ट द विलेज ऑफ फॉरेस्ट ऑफ द पेम्बोपति. उसके बाद क्या हुआ, जो रेप्टाइल्स थे, टॉर्टोइजेस जो थे और जो स्नेक्स थे, उन्होंने पेम्बोपति के जो फॉरेस्ट थे उनको छोड़ दिया था. नाउ टुडे वी आर लर्निंग अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेसन. इन दिस लेसन वी विल सी एंड वी विल रीड व्हाट वाज हैपनिंग इन द पेम्बोपति विलेज. इस वीडियो में आइए हम देखते हैं कि पेम्बोपति विलेज में आफ्टर देन व्हेन Tortoises and snakes left the forest of the Pembopathy. What happened in this forest? जब reptiles ने means reptiles means जब tortoises ने और snakes ने Pembopathy village को छोड़ दिया था, तो उसके बाद Pembopathy village में क्या हुआ? So let's start the story from the book. So children, as Makra ordered to tortoises to leave the forest of Pembopathy. एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूजडे दे वर ऑल गॉन. तो आने वाला जो ट्यूजडे तक सब जो टॉर्टाइजेस थे वो जंगल से जा चुके थे. एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सेड बट देन दे रियलाइज दैट वट मकरा हैड सेड वॉज ट्रू. पहले तो सब सेड थे लेकिन जब उन्हें यहाँ रियलाइज हुआ कि मकरा ने जो कहा वो सब सच था. देयर वॉज मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर देम. उनके लिए अब ज़्यादा खाना, ज़्यादा पानी और ज़्यादा स्पेस था बिकॉज द टॉर्टाइजेस लेफ्ट द फॉरेस्ट. बट सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगन टू फिल द फॉरेस्ट. लेकिन जल्दी ही पूरे जंगल में एक बहुत ही बुरी स्मेल ने पूरे जंगल को भर दिया. इट वॉज द स्मेल ऑफ रॉट. ये जो स्मेल थी वो काई की थी, सड़न की स्मेल थी. रोटिंग फ्रूट्स ऑन द ग्राउंड, रोटिंग एनिमल्स इन द रिवर, दिस वॉज वट द टॉर्टोइजेस यूज टू ईट. एंड इवन मकरा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लॉज. ये जो स्मेल थी वो आ रही थी सड़े हुए फूलों की, सड़े हुए एनिमल्स की जो रिवर में, नदी में सड़े हुए थे. ये वो चीज़ें थी जिनको खाकर टॉर्टोइजेस को क्या मिलता था, खाना मिलता था. मीन्स ये भी जो सभी सड़ने वाली चीज़ें थी टॉर्टोइजेस उनको खाते थे और इससे क्या होता था, उनकी जो स्मेल है वो भी फिनिश हो जाती थी. और स्मेल इतनी गंदी आ रही थी कि जिसकी वजह से जो मकरा था, मकरा कौन था, प्रेसिडेंट ऑफ
रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का जो प्रेसिडेंट था उसको भी यहाँ तक कि अपने बिग क्लॉज, क्लॉज मीन्स पंजों, अपने बड़े बड़े पंजों से क्या करना पड़ रहा था, अपनी नाक को बंद करके चलना पड़ रहा था. अ मंथ पास्ड बाय एंड देन द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन. एक महीना बीता और उसके बाद फिर से यही सब चीज़ें होने लगी. बट दिस टाइम इट वॉज द स्नैक्स. मकरा रोड देम वन ऑफ हिज लेटर्स. दे वर टू लीव द फॉरेस्ट एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट दे हैड टू गो इन अ डे. इस टाइम क्या हो गया, मकरा ने जो लेटर लिखा वो किसके लिए लिखा, स्नैक्स, स्नैक्स में सांप जो थे, रेप्टाइल जो सांप थे उनके लिए लिखा कि अब आपको भी क्या करना है, ये जंगल छोड़कर जाना है और क्योंकि तुम तेज चल सकते हो इसलिए तुम्हें एक दिन के भीतर ही पेम्बोपति के फॉरेस्ट को खाली करना पड़ेगा, मिस इसको छोड़ना पड़ेगा. नागा द हेड ऑफ द स्नैक्स प्लीडेड फॉर मोर टाइम बट मकरा वुड नॉट गिव इन. गिविन जो नागा था, किसका किसका हेड था, स्नैक्स का, सांप का जो हेड था नागा, उसने बहुत प्लीडेड मतलब बहुत प्रार्थना की कि हमें कुछ थोड़ा और टाइम दे दीजिए फॉरेस्ट को छोड़ने के लिए. बट जो मकरा था उसने नहीं माना और उसने कहा कि नहीं, आपको अभी एक ही दिन के भीतर यहाँ से जाना होगा. एट द मीटिंग ही साइलेंस द अदर्स द लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स विद इवन लाउडर साउट्स एंड थ्रीट्स. फिर उसने मीटिंग में जो लिजार्ड्स थी और जो क्रोकोडाइल्स थे जो इस बात का अपोज कर रहे थे कि अब स्नैक्स भी क्यों जंगल छोड़ के जाएंगे, उनको भी उसने चुप करा दिया. स्नैक्स आर स्लाइमी ही सैड एंड दे मेक फनी नॉइजेस. उसने कहा, मकरा ने कहा कि जो सांप होते हैं वो स्लाइमी, स्लाइमी मतलब बहुत ही चिपचिपे और यू नो उनकी जो स्किन होती है बहुत अजीब सी होती है, चिपचिपे गंदे से दिखने वाले होते हैं इसलिए, और उनकी जो 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 साउंड बनाते हैं कि जो आवाज़ करते हैं वो बहुत फनी होती है. हु वॉन्ट सच वियर्ड क्रिएचर्स अराउंड. किसको इस तरह के क्रिएचर्स मीन्स प्राणी अपने आसपास अच्छे लगते हैं. अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विद मकरा एंड सो द स्नैक्स लेफ्ट. तो फिर किसी के अंदर फिर हिम्मत नहीं थी कि वो मकरा को, मकरा के विरुद्ध जा सके, उसके अपोज कर सके और फिर स्नैक्स को भी क्या करना पड़ा, पेम्बोपति के फॉरेस्ट को छोड़ना पड़े. फॉर अ वाइल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी बिकॉज दे हैड बीन अ लिटिल एफ्रेड ऑफ द स्नैक्स. कुछ समय बाद जो पेम्बोपति के जो अदर जो रेप्टाइल्स थे वो खुश रहने लगे क्योंकि अब उसको, उनको सांपों से कोई भी डर नहीं था, मिस वो सांप से बहुत ज़्यादा डरा करते थे. यू नेवर न्यू व्हेन वन ऑफ देम माइट लॉस हिज टेम्पर एंड स्पिट सम वेनम एट यू. नहीं, कोई भी नहीं जानता था कि कब कोई सांप अपना आपा खो दे, मिस गुस्से में आ जाए और स्पिट मतलब होता है थूक दे अपना वेनम, वेनम मतलब जहर, आपके ऊपर अपना जहर थूक दे. एंड इट टुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू आफ्टर ऑल. और आपके लिए बस थोड़ा सा पॉइजन ही काफ़ी था कि थोड़े से पॉइजन से ही आप क्या होंगे, मर जाएंगे. तो अब जो पेम्बोपति में जो लिजार्ड्स थे और जो क्रोकोडाइल्स थे वो बहुत हैप्पीली रहने लगे. अ फ्यू वीक्स पास्ट एंड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक टायर्ड एंड फेड अप. कुछ सप्ताह बीते उसके बाद जो जानवर थे जंगल के वो बहुत ही थके हुए और फेड अप मतलब बहुत ही उबे हुए, मीन्स जो बहुत ही उब जाना मतलब बहुत ही परेशान नजर आ रहे थे. द रैट्स नाउ दैट देयर वर नो स्नेक्स टू ईट देम. क्यों परेशान हो रहे थे, क्यों टायर्ड हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर अब क्या हो गए थे, रैट्स बहुत, चूहे बहुत ज़्यादा हो गए थे. नाउ दैट वर देयर वर नो स्नेक्स टू ईट देम द रैट्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट. क्यों, क्यों जो रैट्स थे उनकी जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा हो गई थी, इसलिए क्योंकि उनको खाने के लिए अब वहाँ कोई भी स्नेक सांप उस फॉरेस्ट में नहीं था. All the snakes went away. सारे जो snakes थे वो पेम्बोपति के फॉरेस्ट से दूर जा चुके थे. And they were having a wonderful time. That's why the rats were having wonderful time. और जिसकी वजह से थे, जो rats थे, चूहे थे, उनको बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि उनके ऊपर मीन्स उनको किसी का अब डर नहीं था, ना वहाँ पे कोई snakes थे जिनकी वजह से वो डरे. They were everywhere on the trees, in the grass, in the bushes, on the ground. अब हर जगह rats नजर आ रहे थे, पेड़ों पर भी, घास पे भी, बुशेस मिस झाड़ियों पर भी और ग्राउंड मिस फर्श पर भी. दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स. वो जो रैट्स थे वो अंडे खाने लगे, किसके, लिजार्ड्स, छिपकलियों के अंडे भी खाने लगे और क्रोकोडाइल्स के अंडे भी खाने लगे. दिस वुड बी नो बेबीज दैट ईयर. और उस साल पेम्बोपति के फॉरेस्ट में कोई भी बेबी बॉर्न नहीं हुआ क्योंकि जब तक ये रेप्टाइल्स जो थे, क्योंकि उस टाइम पे कौन, जंगलों में सिर्फ रेप्टाइल्स ही रहते थे, कोई अदर ना वहाँ पर टाइगर थे, ना पैंथर थे, ना एलिफेंट थे. तो जैसे ही वो बेब अंडे देते थे और
द रेप्टाइल्स ले एग्स ना, जो रेप्टाइल्स होते हैं वो एग देते हैं, तो जैसे वो एग देते थे तो रैट्स क्या करते थे, उनके अंडों को खा लेते थे। दैट्स वाई देयर वर नो बेबीज इन दैट ईयर, उस साल कोई भी बच्चा नहीं जन्मा था उस जंगल में। मकरास ओन नेस्ट ऑफ एग्स हैज बीन च्यूड अप, मकरा जो था, कौन था मकरा, प्रेसिडेंट ऑफ रेप्टाइल्स, उसका जो खुद का भी जो नेस्ट था, घोंसला था, उससे भी सारे अंडों को खा लिया गया था, किसके द्वारा, चूहों के द्वारा। देन मकरा हैड अ ग्रेट आइडिया, अब मकरा को फिर से एक बहुत अच्छा आइडिया आया। ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल्स एंड सेड, अब उसने फिर से मगरमच्छों की एक मीटिंग बुलाई और कहा, वुडंट इट बी वंडरफुल इफ वी द क्रोकोडाइल्स कुड हैव द होल जंगल फॉर आवर सेल्व्स। मकरा ने अब सोचा कि क्या ये अच्छा नहीं होगा कि केवल हम क्रोकोडाइल्स ही इस पूरे जंगल पे रहें, इस पूरे जंगल में आपको अपने लिए रखें। नो वन बट अस, कोई नहीं लेकिन सिर्फ क्रोकोडाइल्स। दीज लिजार्ड्स नाउ जस्ट लुक एट देम, दे हैव द स्ट्रेंजेस्ट हैबिट्स एंड सम ऑफ देम इवन चेंज कलर। उसने कहा कि देखिए जरा इन लिजार्ड्स को देखिए, इन छिपकलियों को देखिए, ये बहुत ही अजीब हैबिट्स, आदतें इनकी होती हैं, और देखिए कुछ तो इनमें से इतनी अजीब होती है कि वो अपनी जो बॉडी का कलर है उसी को क्या कर लेती हैं, चेंज कर लेती है। हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज ग्रीन वन मिनट रेड द नेक्स्ट, लेट्स गेट रिड ऑफ देम, हम इनमें कैसे विश्वास कर सकते हैं। अभी एक सेकेंड के अंदर ये, एक मिनट के अंदर ये हरी हो जाती हैं और फिर दूसरे ही मिनट में ये क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। लेट्स गेट रिड, गेट रिड मीन्स चलो इनसे छुटकारा पाते हैं। By now, the crocodiles were really scared of Makra. अब तक, अब जो समय था उस टाइम तक सारे जो crocodiles थे वो Makra से बहुत डरने लगे थे। So they clapped and cheered. तो सीधे उन्होंने अब कोई अपोज नहीं किया, उसका कोई मिस उसके अगेंस्ट नहीं गए, सीधे उन्होंने clapped, तालियां बजाई और cheered किया, मीन्स खुशी मनाई। Makra was pleased. Makra अब बहुत खुश था। The lizards left the forest, some with their babies on their backs. अब जो क्या है, लिजार्ड्स छिपकलियों ने भी पेम्बोपति के जंगलों को छोड़ दिया था, कुछ अपने पीठ में बैठाकर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर जंगल से बाहर जा रहे थे। बट नाउ व्हेन लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल्स ऑफ पेम्बोपति, ऑल काइंड्स ऑफ एवरफुल थिंग्स बिगेन टू हैपन। लेकिन अब जो क्रोकोडाइल सोच रहे थे कि जीवन जो है उनके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन इस टाइम पे अब जीवन उनके लिए बहुत ही कठिन होने वाला था। ऑल काइंड्स ऑफ एवरफुल थिंग्स मीन्स, एवरफुल मीन्स भयंकर भयंकर चीजें उस जंगल में होने लगी। टू बिगिन विद द रेट्स ग्रो बोल्डर बाय द डे, क्या होने लगा, जो चूहे थे वो और ज्यादा बहादुर और ज्यादा बड़े दिन प्रतिदिन होने लगे। दे बिकम सो फियरलेस दैट दे जंप एंड टर्न समरसॉल्ट्स ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक्स, वो दिन प्रतिदिन क्या होने लगे, उनके अंदर अब किसी का भी डर नहीं था, वो जंप करने लगे, टर्न करने लगे, समरसॉल्ट्स मतलब होता है कलाबाजियां, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की कलाबाजियां दिखाने लगे, कहाँ, क्रोकोडाइल्स के बैग्स में। मीन्स इतने ज़्यादा उनकी जो उनकी संख्या थी इतनी ज़्यादा हो गई कि अब वो क्रोकोडाइल्स के पीठ पर चढ़कर वहाँ पे जंप करते टर्न करते, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या कर रखा था, उन क्रोकोडाइल्स को परेशान कर दिया। एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स, और अब बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ्रॉग्स मतलब मेंढक भी हो गए। दे सीम्ड टू बी ग्रोइंग लार्जर एंड देयर वॉज नो वन टू ईट देम बट द क्रोकोडाइल्स, वो भी अब कैसे बहुत बड़े होने लग गए थे, कोई नहीं था जो उन फ्रॉग्स को खा सकता, सिर्फ वहाँ पर अब क्या थे, क्रोकोडाइल्स ही रह गए थे। दीज ह्यूज फ्रॉग्स बिगन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल्स, और ये बड़े बड़े जो मेंढक थे वो क्या करने लगे, छोटे छोटे मगरमच्छों को अब खाने लग गए। एंड द इंसेक्ट्स नाउ दैट द लिजार्ड्स वर गॉन, और इंसेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, जो छोटे छोटे जो जीव जंतु थे वो भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि जो फ्रॉग होते थे, जो इंसेक्ट होते थे, उन्हें कौन खाता था, लिजार्ड्स खाते थे, तो लिजार्ड्स भी वहाँ से चली गई थी। देयर वर मिलियंस ऑफ देम ग्रोइंग बिगर एंड नेस्टर बाय द डे, बहुत सारे लाखों की संख्या में उनमें जो है इंसेक्ट्स और जो हमारे फ्रॉग हैं वो बड़े होने लग गए, और नेस्टर बहुत ही बुरे दिन पेम्बोपति के जंगलों में आ गए। इट वॉज अ टेरेबल टाइम फॉर द क्रोकोटाइल्स, ये क्रोकोटाइल्स के लिए बहुत ही टेरेबल, बहुत ही मिस बुरा परेशानी वाला समय था। दे कुडंट अंडरस्टैंड वट हैड हैपन टू दियर हैप्पी फॉरेस्ट होम, वो नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो गया उनके इतने खुशहाल जंगल जो उनका घर था उसमें, ये क्या अजीब अजीब सी चीजें, स्ट्रेंज थिंग्स वहाँ पे होने लगी थी। द वन डे अ स्क्वीकी लिटिल वॉइस पिप्ड अप एट वन ऑफ दियर मीटिंग्स, क्रोकोडाइल्स से बहुत परेशान हो गए थे, दे कांट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पा रहे थे कि इतनी सारी बुरी चीज़ें उनके जंगल में क्यों हो रहे थे। उसी समय उनकी जब वो मीटिंग कर रहे थे तो एक आवाज़ चीखती हुई उनके कानों तक आई,
वो क्या थी? वी नो वाई द फॉरेस्ट हैज गॉन क्रेजी डोंट वी, उस आवाज ने कहा हम जानते हैं कि क्यों ये जंगल पागल जैसा हो गया है, क्या हम नहीं जानते? सडनली एवरीवन वाज साइलेंट, अचानक सब लोग साइलेंट हो गए, चुप हो गए। दे लुक्ड एट मकरा फियरफुली बट टू देयर सरप्राइज, अब वो मकरा की तरफ बहुत ही फियरफुली डर से देख रहे थे, लेकिन उनके अंदर क्या था, आश्चर्य भी हो रहा था कि कैसी आवाज आ रही है। ही लुक्ड नर्वस, जो मकरा था वो भी अब कैसा दिख रहा था, नर्वस दिख रहा था, डरा हुआ दिख रहा था। ही शुक अ रैट ऑफ हिज टेल एंड आस्क द स्मॉल क्रोकोडाइल व्हाई लिटिल फेलो, तो उसने फिर क्या किया, अपने जो पैरों के नीचे एक किसकी पूंछ दबा दी, चूहे की पूंछ दबा दी, और एक छोटे से क्रोकोडाइल से पूछने लगा। उसको बहुत गुस्सा आया तो उसने अपने पैरों के नीचे एक जो रैट था उसकी पूंछ को दबा दिया और छोटे क्रोकोडाइल से पूछा, वाई लिटिल फेलो, ऐसा क्यों हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम, क्या हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ जंगलों में। इट ऑल बिगन विद द टॉट, और फिर उस छोटे क्रोकोडाइल ने कहा ये सब हो रहा है हमारे टॉट, टॉट मीन्स बुरे कर्म की वजह से। कौन से बुरे कर्म? बुरे कर्म ये थे कि हमने जंगल से टॉर्टोइजेस को, स्नैक्स को, लिजार्ड्स को, सबको धीरे धीरे जंगल से बाहर कर लिया। दैट्स वाई द फॉरेस्ट हैज गॉन क्रेजी, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये जो जंगल है आज वो पागल हो गया। ओके ओके सेट मकरा, देयर्स नो नीड टू टॉक सो मच, तो मकरा ने कहा ठीक है अब इसके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मकरा डिडंट वॉन्ट टू एडमिट ही वॉज रॉन्ग बट इट डिडंट मैटर, मकरा नहीं चाहता था कि वो अपने आप को गलत होने दे, मतलब वो नहीं चाहता था अपनी गलती को मानना, बट अभी इस बात का कोई मैटर नहीं था। ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ दैट ही वॉज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग और पावरफुल और ऑलवेज राइट, सब क्रोकोडाइल जान गए थे कि हमेशा जो है वो मकरा सही नहीं हो सकता और हमेशा वो शक्तिशाली नहीं हो सकता और हमेशा वो सही भी नहीं हो सकता। दे सेंट अर्जेंट मैसेजेस ऑल ओवर द प्लेस फॉर द टॉर्टोइजेस, स्नैक्स एंड लिजार्ड्स टू कम बैक टू पेम्बोपति, फिर मकरा ने जल्दी से मैसेज भेजा, एक संदेश भेजा सब जगह, कहाँ, जहाँ टॉर्टोइज गए थे, स्नैक्स गए थे और लिजार्ड्स गई थी, उनको एक मैसेज दिया कि कम बैक टू पेम्बोपति, पेम्बोपति फॉरेस्ट में वापस आ जाइए। एंड व्हाट अ ग्रेट डे इट वाज, और ये कितना बहुत ही अच्छा दिन था, व्हेन द क्रिएचर्स केम बैक, जब सारे जो क्रिएचर्स थे, प्राणी थे, वो वापस आ रहे थे, फैमिली आफ्टर फैमिली विद देयर लिटिल वंस ऑन देयर बैग्स और स्ट्रगलिंग बिहाइंड शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम, कितना अच्छा दृश्य था जब एक परिवार के पीछे दूसरे परिवार आ रहे थे, एक फैमिली के पीछे दूसरी फैमिली, उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनकी बैक पर, उनकी पीठ पर बैठे हुए थे और कुछ रेंग रहे थे, रेंगते हुए उनके पीछे जा रहे थे और शाउटेड, कुछ चिल्ला रहे थे अपने पेरेंट्स को कि प्लीज़ वेट फॉर अस, हमारे लिए भी इंतजार कीजिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं, वी कैन सी हियर अ पिक्चर हाउ वर द एनिमल्स ऑफ और रेप्टाइल्स ऑफ द पेम्बोपति केम बैक टू द फॉरेस्ट, इस तरह से जो लिजार्ड्स थे, टॉर्टोइजेस थे, स्नैक्स थे, वो सारे फिर से वापस आने लगे, कहाँ पर, पेम्बोपति के फॉरेस्ट में। इन टू मंथ्स द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल, दो महीने के अंदर ही जो जंगल था वो नॉर्मल हो गया पहले की तरह। द रैट्स डिसअपीयर्ड, चूहे पूरी तरह से गायब हो गए थे, एंड द स्नैक्स इंसेक्ट्स एंड द स्मेल हैड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फैमिलियर ओल्ड सेल, जो इंसेक्ट्स थे, जो स्मेल थी, वो सब अब जो फाइनली थी, वो सारे जो इश्यूज थे वो खत्म हो चुके थे। वेल प्रेम सेड द ओल्ड मैन, हैव यू फॉलन अस्लीप, डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीमलैंड, तो उसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि प्रेम बेटा क्या तुम सो गए हो, क्या मेरी इस कहानी ने तुम्हें सपनों की दुनिया में भेज दिया है। आई शूक माई हेड, तो देन प्रेम सेड, प्रेम ने कहा मैंने अपने सिर को हिलाया, नो ग्रैंडफादर, नहीं ग्रैंडफादर, आई वॉज जस्ट थिंकिंग मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल देम बट वट इफ दे डजंट लिसन टू मी, तो तब प्रेम ने कहा कि नहीं ग्रैंडफादर, मैं आपकी स्टोरी सुन रहा था और अब वो समय आ गया है कि मुझे अपना गांव, अपने गांव में जो मेरा खुद का गांव है वहां वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे पास उन लोगों को सुनाने के लिए ये स्टोरी है। बट लेकिन प्रेम को डर भी था, क्या होगा अगर वो मेरी इस स्टोरी को नहीं सुनेंगे या उस पर विश्वास नहीं करेंगे। वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन, टेल दिस स्टोरी अगेन एंड अगेन, देन ग्रैंडफादर सेड, ग्रैंडफादर ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आपको ये स्टोरी अपने पास रखनी है और बार बार लोगों को सुनानी है, टू मोर एंड मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनानी है, सम ऑफ देम मे लाफ एट यू और से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रूथ, मे भी हो सकता है कि कुछ आप पे हंसें और कहें कि आपकी जो स्टोरी है वो सच्ची नहीं है, सत्य नहीं है, बट दे मे रिमेंबर
देम वन डे. लेकिन एक दिन वो सब क्या करेंगे, आपकी इस स्टोरी को का विश्वास करेंगे. एंड अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अस हैज अ प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ आर्स. और एक दिन सबको समझ में आएगा कि इस जो ये वर्ल्ड है, ये संसार है, स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड है, इसमें हमारा खुद का एक प्लेस है. मीन्स हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है, कोई भी कम नहीं है. एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट इन हिज वे. हर कोई अपने अपने तरीके से इस दुनिया में क्या है, इम्पॉर्टेंट है. द स्टोरी इज रिटन बाय जय वाटेकर. ये स्टोरी जो है वो जय वाटेकर ने लिखी. सो चिल्ड्रन, नाउ दिस स्टोरी इज कम्प्लीटेड. नाउ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड अगेन रीड दिस स्टोरी इन योर होम. थैंक यू.